यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 फिजिक्स, और हमारा जो चैप्टर है वो है फ्रिक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप लोग स्टडी कर रहे थे कि जो फ्रिक्शन होता है, इसको हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं, ये एक ज़रूरी बुराई होती है। मतलब ये होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। इसका होना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और नहीं होना भी फ़ायदेमंद है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ा कि मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम चल नहीं सकते। हमारे फुट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। हम कागज़ पे पेन की सहायता से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, किसी भी पेंटिंग को या फोटो है उसको दीवार के ऊपर होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी ऐसी आप कह सकते हैं एडवांटेज हैं फ्रिक्शन की, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद फ्रिक्शन है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। उस कड़ी में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनका जो इंजन होता है उसके पार्ट्स जब एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो जाते हैं, कई बार इंजन है वो हमारा डैमेज भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हमारी काफ़ी एनर्जी है वो लॉस होती है। वो भी हमने पढ़ा था कि भाई फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। जैसे मान लीजिए रोड की तुलना में जो बालू रेत का रास्ता है वो, उसमें जब हम चलते हैं तो काफ़ी हमें ये कह सकते हैं काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे आप साइकिल एक तो रोड पे चलाएं, एक बालू रेत के रास्ते में चलाएं, तो वहाँ आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अननेसेसरी जो एनर्जी है वो हमारी खर्च हो रही है। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स की वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि वो कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बट कैन नॉट मेक इट जीरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। कोई भी फ्रिक्शन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता है। तो फॉलोइंग आर सम वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनकी सहायता से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बाय लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, लुब्रिकेटिंग क्या होता है, जैसे ग्रीस लगा के पेंट करके, जो ये हमारे जो ग्रीस है, ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स के अंदर ऑयल्स डलते हैं मोबिल, ठीक है, वो हमारे सारे लुब्रिकेंट्स में आते हैं। तो देखिए, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। वे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं हम उनको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। बाई यूजिंग ए लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। जब हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, वो चाहे हमारा ऑयल हो या ग्रीस हो, तो हमारा फ्रिक्शन है वो घट जाता है। व्हेन ए लुब्रिकेंट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन, जब लुब्रिकेंट को जो मशीन के मूविंग पार्ट्स है वहाँ अप्लाई करते हैं, तो ए थिन लेयर इज फॉर्म देयर एंड मूविंग सरफेसेस डू नॉट डायरेक्टली रब ईच अदर। तो वो जो मूविंग सरफेस है वहाँ पर एक परत बना देते हैं पतली, जिससे वो डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं और वो एक दूसरे से टकरा के घिसते नहीं हैं। मतलब आप कह सकते हैं जो दो पार्ट्स, एक पार्ट दूसरे पार्ट्स पे चल रहा है, तो उसके बीच में लुब्रिकेंट एक पतली परत बना देता है जिससे वो एक दूसरे से टकरा कर घिसते नहीं हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी जो लेयर है, आप देख रहे हैं जो लेयर बन गई है लुब्रिकेंट की, तो इससे क्या होता है, जो पार्ट है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं, जिस वजह से वो आपस में रब नहीं हो पाते। इट फिल अप द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द सरफेसेज, ये जो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ हैं उनको भर देते हैं, मेकिंग देम स्मूथर, जिससे वो स्मूथ हो जाती हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ अवॉइडेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट एंड मोमेंट बिकम स्मूथर। जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो भरने के बाद जो इंटरलॉकिंग है वो बिल्कुल ही कम हो जाती हैं, ठीक है, जिससे
हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। टेलकम पाउडर इज ए ड्राई लुब्रिकेंट, जो हमारा कैरम बोर्ड होता है उसके अंदर जो हम पाउडर छिड़कते हैं वो भी एक ड्राई लुब्रिकेंट होता है। सिंस द पाउडर रिड्यूस फ्रिक्शन, ए कॉइन ट्रेवल्स मच फास्टर ऑन ए पाउडर कैरम बोर्ड देन ऑन एन अनपाउडर्ड कैरम बोर्ड। जैसे हम कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं तो जो कॉइन है, जो गोटियाँ होती हैं, ठीक है, वो तेज़ी से मूव करती हैं। ग्रेफाइट पाउडर इज आल्सो इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जो ग्रेफाइट पाउडर होता है उसका यूज़ भी मशीन में हम फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। उसके बाद सेकेंड मेथड आता है बाई पॉलिशिंग, पॉलिश करके। व्हेन द सरफेसेस आर हाईली पॉलिश्ड द इररेगुलरिटीज ऑफ द सरफेसेस आर कवर्ड, अगर सरफेस को हम अच्छे से पॉलिश कर दें तो उसकी जो इररेगुलरिटीज हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाती हैं या ढक जाती हैं, मेक दम स्मूथर, वो उसको स्मूथ बना देती हैं। कॉन्सिक्वेंटली फ्रिक्शन इज़ ग्रेटली रिड्यूस, और आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। बाई यूजिंग बाल बैरिंग्स, जो बाल बैरिंग्स होते हैं व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं, आगे हम इसमें दिखाएंगे कि बाल बैरिंग क्या होता है। बाल बैरिंग इज ए होलो सर्कुलर डिवाइस कंटेनिंग स्मॉल मेटल बाल विच आर फिटेड अराउंड द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन, जो बाल बैरिंग होता है वो एक होलो सर्कुलर डिवाइस होता है जिसके अंदर छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं मेटल की, जिनको जो मूविंग पार्ट्स उनके बीच में फिट किया जाता है। द बाल बैरिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, जो बाल बैरिंग है वो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द एक्सल ऑफ ए मशीन फिटेड विद बाल बैरिंग रोटेट्स, जब एक्सल को बाल बैरिंग के साथ हम जोड़ते हैं तो देन द मेटल बाल्स आल्सो रोल, तो मेटल बाल हैं वो भी मूव करना शुरू कर देती हैं एंड हैंस द फ्रिक्शन इज रिड्यूस, तो इससे क्या होता है फ्रिक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। बाल बैरिंग आर यूज्ड इन फ्री व्हील और बाइसिकल, बाल बैरिंग है इनका यूज़ बाइसिकल में भी किया जाता है। द एक्सल ऑफ ए कार द शाफ्ट ऑफ मोटर एंड मैनी अदर मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और जो बाल बैरिंग जिसे एक्सल या शाफ्ट में डाला जाता है तो उसमें डालने के बाद वो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देता है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक्सल डलता है, ठीक है, ये आपका बाल बैरिंग है, इसका एक सरफेस अंदर की ओर है एक बाहर की ओर है, और उसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये मेटेलिक बॉल होती हैं, छोटी छोटी मेटल की बनी हुई बॉल होती हैं, ये इन दोनों सरफेसेस के बीच में लगाई जाती हैं। जब इस एक्सल को इसके अंदर डाल के और जब इसके अराउंड व्हील डालते हैं तो जब व्हील मूव करता है तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, ये बैरिंग है उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर सकता है। जैसे हम एक्सल को घुमाएंगे, एक्सल को धक्का देंगे तो हमारा बैरिंग है वो सर्कुलरली मूव करेगा। नीचे इसका आप देख पा रहे हैं ये आपका मेटल बॉल, ये बैरिंग है हमारा, इसका एक्चुअल पिक्चर दिखा रखा आप लोगों को, ठीक है, ये व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद है बाई रोलिंग रोलर्स एंड व्हील्स, आप लोगों ने देखा होगा ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं उनके एक साइड में व्हील प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो व्हील भी क्या करते हैं, जैसे आप बैग को आगे की ओर खींचते हो तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं, जिससे आप बैग को आसानी से आगे की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जैसे हैवी सूटकेस होते हैं उनको हम उठाकर चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जो मान लीजिए हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं या
जो बूढ़े लोग हैं वो इसको उठा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर इनको व्हील प्रोवाइड करा दिए जाते हैं तो इसको आसानी से, एक बच्चा भी आसानी से इसको ले जा सकता है। तो ये हमारे, हम कह सकते हैं ये कुछ तरीके थे जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो आप है ना ये बात ध्यान रखें कि आप लोग बड़े ध्यान से देखें कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए पूछा गया है या इंक्रीज करने के लिए पूछा गया है। अगर रिड्यूस का जिक्र होता है तो आप ध्यान से देखें, रिड्यूस के लिए आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे और इंक्रीज करने का अलग तरीका होता है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता है, तो आप बड़े ध्यान से देखें कि हमसे क्या पूछा गया है, कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके पूछे गए हैं या इंक्रीज करने के पूछे गए हैं। तो उसको ध्यान से देख के फिर आप अपना आंसर दीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बाय स्ट्रीम लाइनिंग शेप। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो रेसिंग कार होती हैं, एरोप्लेन होता है, ठीक है, इनकी जो आगे से शेप है वो पतली होती है, पीछे चौड़ी होती चली जाती है। जैसे जैसे आपकी फिश की होती है, अगर हम नेचुरल स्ट्रीम लाइन शेप का जिक्र करें तो फिश आप देख सकते हैं। तो स्ट्रीम लाइन शेप करने से क्या होता है कि जो एयर फ्रिक्शन है, जैसे व्हीकल्स का जिक्र करें तो उस केस में जो एयर फ्रिक्शन है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें कि एक ये भी तरीका है कि अगर हम बॉडी को स्ट्रीम लाइन कर दें तो उसका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक हमारा ये भी तरीका होता है। इसके बाद देखिए साइंस इन लाइफ, द व्हील्स ऑफ ट्रेन्स एज वेल एज द ट्रैक ऑन विच दे रन आर मेड अप ऑफ स्टील। देखिए जो आपके रेल के जो व्हील हैं और जो आपका ट्रैक होता है वो दोनों ही मेटल के होते हैं। दिस रिड्यूस द रोलिंग फ्रिक्शन एंड द ट्रेन रन वेरी फास्ट। तो ये क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को कम कर देते हैं जिससे ट्रेन है वो काफ़ी फास्टली मूव करती है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर है फ्रिक्शन ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो ऐसे जो हम कह सकते हैं जो समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा इसके अंदर जो वेज थे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के वो आज हमने पढ़े, तो आप इनको और अच्छे से देखें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।